मानयोग मुख्यमंत्री साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं गल कर रहा सी कि जदों पंजाब तो कुछ चाहिए होंगे देश में वो लै लिया जाता है तो बाद दे विच जदों पूरा हो जाता है तो पंजाब के हक मार ले जाते। सो असी अज पंजाब के हकों बारे ये जिहड़ा रेजोल्यूशन लेके आए हैं कल चंडीगढ़ का नहीं ये बीबीएमबी भी है ये होर भी बहुत सारे ने भविख के आने भविख के बहुत सारिया उन्होंने होर भी बहुत खतरनाक योजनावान ने जिस तरह दिल्ली है दिल्ली के कह दिता गया कि जी चुनी हुई है उन्होंने सरकार नहीं कहा जाऊगा एल जी सरकार कहा जाऊगा फिर तुम दिल्ली वोटा क्यों पवाइया बी दिल्ली के कोई काम करना होल जी तो परमिशन लो मुख्यमंत्री की कोई उ मतलब चल नहीं रही उ बुकत नहीं रखी कारण की सरकार होर पार्टी की बन गई। इदा ही बंगाल के इन्होंने किया सी बी आई नित जाती है इदा ही बॉम्बे के करते हैं जिथे जिथे इन्हों की सरकार नहीं बनी ए मतलब देश का हिस्सा नहीं जिथे जिथे बीजेपी नहीं चुनी गई यदा मतलब देश का हिस्सा नहीं हो। पंजाब ने बिजली मंगी एक्सट्रा सेंट्रल पूल चो कहिंदे नो हरियाणे नूं देती दिल्ली ने हाई कोर्ट जाके रोक लवाई है कल मतलब दूजे पासे प्रधानमंत्री जी कहिंदे ने सबका विकास सबका साथ कित्थे साथ साडा जी ना साडा साथ दिंदे हो ना साडा साथ लैंदे हो। सो पंजाब गुरुआं दे नां ते बसदा बहुत सारे आ गए जिहड़े पंजाब नूं ऐ कर देंगे वो कर देंगे पर पंजाब नहीं पंजाब दोबारा उगण की शक्ति है। सो जिन्ना यह धक्का हो रहा है असी सख्त शब्दों से यदि निखेधी करते हैं और आने वाले दिनों सेंटर तो टाइम लिया जाऊगा जिस तरह बाजवा साहब ने कहा होम मिनिस्टर तो टाइम लवेंगे प्रधानमंत्री तो टाइम लवेंगे राष्ट्रपति जी तो टाइम लवेंगे और पंजाब का पक्ष जोड़ा जबरदस्त तरीके रखा जाऊगा। मैं कोई पास की नहीं गल करता इन्होंने नहीं रखा उदो इन्होंने आ करता से उदो पास्ट इज पास्ट ईवन गॉड कान चेंज पास्ट जो लंघ गया समय तो रब भी नहीं बदल सकता। आने वाले समय की गल करिए कि आपने पंजाब दोबारे पंजाब किमें बना क्योंकि हालात यह हो गए कि जिहड़ी सिख रेजिमेंट है सिख रेजिमेंट ने डिफेंस मिनिस्टर नूं लिख के दिता कि साडे कोल पंजाब दे विच्चों भर्ती पूरी नहीं हो रही जिहड़े मुंडे टैसट पास कर जाण सानू होर कम्यूनिटीज़ दे विच्चों अपनी नफरी पूरी करन वास्ते इजाजत दिती जाए आ पंजाब बनाता साडा ड्रग्स आते ने अच्छा सच्चा चलो मनते हैं कि बॉर्डर तो पार आते हैं बॉर्डर पार तो आते हैं साढ़े नो ढाई गुना बड़ा बॉर्डर रास्ता आंदा उत्थे तो कोई चिट्टा खांदा देखे नहीं जम्मू कश्मीर च अद्धे तो वध बॉर्डर ते पार ही होनी जम्मू कश्मीर का मुंडा तो कोई चिट्टे देखे नहीं गया इत्थे बनदा जी इत्थे बनदा इत्थों वाले ने बड़ी जल्दी पब्लिक के सामने किए जाएंगे जिन्होंने नसलकुशी की है पंजाब की नसलकुशी की है अज जो पंजाब है उन्होंने फतवा बहुत व्डा दिता साड़ी पार्टी असी मैं पहले दिन भी यही बोलिया हंकार नहीं करते असी विरोधी दल में लेके चलेंगे अज भी जे साढ़े पांच बोले तो छे बोले थोड़े मिलूगा टाइम खुल के बोलो पर हाँ इदा ना बोलो कि थोड़ा बाहर कदना पवे दिशे तो बोलो जिदे जम्मू कटड़ा जोड़ा मेरे मेरे अपने हल्के लंघता वो हाईवे वो तो बहस हुई खुल के बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी विषय में मैं अनटच नहीं छूंगा मैं किसी विषय में अनटच नहीं छूंगा ईवन छोटे छोटे तुहाडे मसले छोटे छोटे मसले भी कोई लिंक करोड़ का कोई वो भी इत्थे बोलो जीरो जीरो च बोलो प्राइवेट मैंबर बिल लेके आओ तुहानू बकायदा जवाब मिलेगा सरकार चलावांगे सरकार सानू चलाउणी आउंदी है
पहले कहते रहे ना, तो जेडे कहते स्टेज चला स्टेट चला डिफरेंट गल हों, फिर ना स्टेज जोगे रहे ना स्टेज स्टेट जोगे रहे। जेडे कहते अपने ना का मॉडल पंजाब का मॉडल नहीं अपने ना का मॉडल, क्योंकि प्रगट साहब ने कहा कि जोड़ा जो गलत किया काम उन्होंने ठोको। मैं हूँ कहीं दस ठोको वाला तो आए ही नहीं इतने, जो गल गल कह ठोको ताली ठोको ताली। ये वक्त है, वक्त बहुत वड्डी चीज है। ये वक्त ये राजियां तो भीख मंगा दिंदा है, ये वक्त ये भिखारियों के सिर पर ताज टका दिंदा है। ये वक्त मैच खत्म हो गया हूं, कांग्रेस का मैच खत्म हो गया। बहुत नहीं उदो जो ठोको करना नहीं सी। तो मेरा मतलब यह है कि वक्त बहुत वड्डी चीज है, डर के रहिए वक्तों। तो किसी शायर ने लिखा कि हुकूमत वो करते हैं जिनके जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये कोई कोई फोटो छपाउण नाल, कोई पानी दी टंकियां ते फोटो लवाउण नाल, कोई जा कोई इधर साइकलों दी टोकरियां ते फोटो लवाउण नाल, चैन कवर ते फोटो लवाउण नाल नहीं कोई बनता हरमन प्यारा। उहदे वास्ते काम करना पैंदा है, लोगों के विच बढ़ना पैंदा है, करियर छड्डने पैंदे है, ठीक है ना। सो लोगों लिए कुछ छड्डना पैंदा जी, तां करके लोग तुहानू प्यार करदे है कि हाँ यार कुछ छड्डिया साडे लई। सो दो दो तीन तीन बेड़ियां वाले नहीं लोग लाइक करते, हाँ एक अद्धी वारी तुक्का लग जाता है। तो मैं यही कहना कि सेंटर सरकार को साढ़े भी उत्थे अठ हो गए ने राज्यसभा दे विच, जल्दी दो होर आ रहे हैं दस हो जाएंगे, जल्दी संगरूर की बाई इलैक्शन भी आजू वह भी राज्यसभा भंग हुई है ग्यारह हो जाएंगे। क्योंकि उत्थे तुसी जो देखे से ग्यारह का मतलब ग्यारह दो एक 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 ते दो ग्यारह है जी। ते मैं पंजाब नू तुहाडे जरिए पंजाबियों पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों ये शोरटी गरंटी दिना कि पंजाब दे हक्कां लई मेरी सरकार जिहड़ी है वह कदे भी पासा नहीं बटूगी, कदे भी कोई नकाब मूँह ते नहीं पाऊगी अगे अंदरों होर बाहरों होर। कदे भी पंजाब दे हक्कां लई असीं कोई दोगली नीति नहीं अपनावांगे, जो करांगे दस के करांगे और डंके दी चोट ते करांगे, जो करांगे पंजाब नूं। उहदे वास्ते कोई गुस्से होवे कोई गिले होवे किसे दी कोई हित मरदे होण किसे नूं कोई घाटा पैंदा होवे वी डोंट केयर, आ सानूं कोई फर्क नहीं। दा जो घाटा हुण तक पंजाब नूं पिआ वो पूरा करना है, पहलां तां पंजाब दे लोकां नूं पिआ जिहड़ा घाटा वो पूरा करना है। आ जिहड़ियां हुण साडियां जेबां ते डाके ने साडे मुलाजमां दे, जिहड़े चंडीगढ़ दे मुलाजम होणगे जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट ते ने, असीं तां पक्के करन दा लै आवांगे अगली वार अपने सभा दे विच। इह ते फिर वो तो रह गए फिर उतों वो हड़ताल भी कर रहे ने, उन्होंने तो फिर पता नहीं किहड़े पासे रखे जो कदों कढ दित्ता जाऊगा। तो उत्थे जिथे मतलब नीले रंग का पानी वो सतलुज जिथों निकलता है, जिहड़े सतलुज का पानी लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत तैयार किया, उन्होंने पानियों पर भी साडा हक नहीं होना। जुल्मां दे खिलाफ लड़न वाली धरती है उतों भी साडे हक खोए जा रहे हैं। सो इस करके पंजाब पंजाबीयत लई जो कुछ भी करना पऊगा, चाहे वह विधानसभा दे विच चाहे बाहर, चाहे दिल्ली दी पार्लीमेंट च चाहे दिल्ली दी पार्लीमेंट दे बाहर, जिथे भी लड़ाई लड़नी पई लड़ांगे। क्योंकि जिहड़ा पंजाब है वह देश का सरमौर सूबा बनाउणा है। पहला हुंदा सी, पहला लोग पंजाब वल देखदे हुंदे सी जदों सिलेबस दे विच यह सवाल आउंदा सी कि पंजाब दा देश दा सब तो खुशहाल सूबा कौन है, उहदा सही जवाब हुंदा सी पंजाब। ते अज असीं कितें नेड़े तेड़े भी नहीं रहे, बहुत सारियां अलामतां साडे पंजाब नूं पै निकलियां, उहनां नूं उहनां संगलियां चों ना जिहड़ियां साडे ते जरीबां पै गईयां उहनां नूं तोड़ांगे और तोड़ के पंजाब नूं दुबारा फिर गिद्धे भंगड़े छिंझां कुश्तियां कबड्डियां जरनैलां और शायरां
ते कलाकारां दा और हसदे मारदा दवामे जट मेले आ गया वो गल्लां पूरियां करन वाले किसानां दा पंजाब बनावांगे। व्यापारी खुश होवे, दुकानदार छोटा खुश होवे, जो बंदा भी जो काम करदा वो घर आके अपने परिवार नाल रोटी खावे ते सुखी वसे ते सानू असी अक्सर पढ़ते हैं दुआबे तो खास तौर पर हम तो हमारे मालवे भी हो गया हर तीजी बिल्डिंग पर लिखा हुआ है जी आस्ट्रेलिया जाने लिए मिलो, हर तीजी बिल्डिंग पर लिखा है न्यूजीलैंड वाले इधर आ जाओ, हर तीजी बिल्डिंग पर लिखा है कनेडा जाने वास्ते इत्थे प्रबंध किया जाता है। कदे किसी ने नहीं लिखा कि पंजाब सुखी रहने लिए मिलो, ये गल मैं कहना कि सुखी रहने लिए सानू मिलो, असी उन्होंने सुखी बसावांगे, असी उन्होंने इत्थे रखांगे, ब्रेन ड्रेन खत्म करांगे, चंगे चंगे दिमाग जिहड़े बाहर चले गए उन्होंने भी बेनती करांगे आओ अपना घर ठीक करिए, आओ आपां सैल्फ डिपेंडेंट है, पंजाब तो रोटी खवाउंदा रहा सारे मुल्क नूं, हुण सानूं पता नहीं क्यों हाथ चन्ने ठूठे फड़ाते, गलत नीतियां कोई रह गईआं पुराणीआं। सो इस करके मैं यही बेनती करदा कि इस प्रस्ताव नूं सर्वसम्मति नाल पास किया जाए तां कि असी तकड़े हो के पावरफुल तरीके नाल असी जिहड़ा सेंटर कोले ये जिहड़ा मसला है उन्हें लैके जा सकी। मैं सारे हाउस में बेनती करदा कि ये जो प्रस्ताव अज का उन्हें सर्वसम्मति पास किया जाए। धन्यवाद सीएम साहब। हुण मैं मता सदन की वोटिंग लिए रखता हाँ। प्रश्न है कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के द्वारा पंजाब का पुनर्गठन किया गया सी, जिस विच पंजाब राज का पुनर्गठन हरियाणा प्रांत चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश विच कीता गया सी, अते पंजाब दे कुछ हिस्से उदों दे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय शासित प्रदेश नूं दित्ते गए सन। उदों तो पंजाब राज अते हरियाणा राज दे नामजदां नूं प्रबंधकी पद्धर ते कुछ अनुपात दे के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वर्गियां सांझियां संपत्तियां दे प्रबंध विच संतुलन बनाया गया सी। केंद्र सरकार ने अपनी कुछ हाल ही दियां कारवाइयां विच इस संतुलन नूं असंतुलित करन दी कोशिश कीती है। हाल ही विच केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे मैंबरां दियां असामियां दा इतिहास सारियां राज सरकारां ते केंद्र सरकार दे अधिकारियां नूं भेजिया है, जबकि ये असामियां रवायती तौर ते पंजाब अते हरियाणा दे अधिकारियां द्वारा भरियां जांदियां हन। इस तरह चंडीगढ़ प्रशासन नूं हमेशा 60-40 दे अनुपात विच पंजाब अते हरियाणा दे अफसरां द्वारा व्यवस्थित कीता गया है। पर हाल ही विच केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ विखे बाहरले अफसरां नूं तैनात किया है अते चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू किए हैं, जो अतीत विच बनी सहमति समझ के बिल्कुल विरुद्ध हैं। चंडीगढ़ शहर नूं पंजाब की राजधानी वजों होंद विच लिआंदा गया सी। जेकर पिछलियां मिसालां वेखो तां जदों भी किसी राज का विभाजन होया है तां राजधानी मूल राज पास रहिंदी है। इस लई पंजाब मुकम्मल तौर ते चंडीगढ़ नूं पंजाब नूं दित्ते जाण लई अपना दावा पेश करता रहा है। पहला भी इस सदन ने चंडीगढ़ पंजाब नूं देण लई केंद्री सरकारां पास बेनती करदे होए बहुत सारे मते पास कीते हन। एक सुरता बनाए रखण लई अते लोकां दीआं भावनावां नूं ध्यान विच रखदे होए इह सदन एक वार फिर चंडीगढ़ पंजाब नूं तुरंत देण लई केंद्री सरकार कोल मामला उठाउण लई राज सरकार नूं सिफारिश करदा है। इह सदन साडे संविधान विच दर्ज संघवाद दे सिधांतां नूं सत्कार देण लई राज सरकार नूं सिफारिश करदा है कि वह केंद्र सरकार नूं बेनती करे कि वह अजिहा कोई भी कदम ना चुके जिस नाल चंडीगढ़ प्रशासन अते BBMB वर्गियां होर सांझियां संपत्तियां दे संतुलन विच विघन पवे। जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव दे हक विच हन वह हां कहण, जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव दे विरुद्ध हन वह ना कहण। मैं समझदा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया।